बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्ट्रॉबेरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने लिया 2 कप, दो एक कप बड़ा दूध, दो यानी पैकेट क्रीम के, और ये 1 कप चीनी और स्ट्रॉबेरीज ली हैं। ये तकरीबन आधा किलो है। एक पैकेट जो आता है वो ले लें हम पूरा। 2 कप अगर 2 पैकेट के अगर आप बना रहे हैं, इसको हम ग्रीन वाला जो हिस्सा है इसका वो निकाल देंगे। और इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, यानी बिल्कुल टुकड़े छोटे छोटे कर लेंगे, बिल्कुल पीसेस में आप ग्राइंड कर लें इसे चॉपर में या ग्राइंडर में डाल के। ये देखें, बिल्कुल हमने बारीक कर लिया इसे। ये सिर्फ 3 चीज़ों से बनती है, कंडेंस मिल्क, स्ट्रॉबेरीज और 2 क्रीम यानी आइसक्रीम। बहुत इजी और मज़ेदार रेसिपी है ये। इसके लिए हमने जो बड़ा कप दूध का लिया है, इससे हम कंडेंस मिल्क बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे अब चीनी का 1 प्याला, 1 कप यानी प्याली। इसको पकाते रहेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाती है। ये इसे चलाते रहेंगे गाढ़ा होने तक, और येलो सा कलर आ जाएगा, ऐसे कंडेंस मिल्क का होता है, बिल्कुल बहुत मज़ेदार सा बनता है ये। ये देखें, हम चला रहे हैं इसको। काफ़ी देर तक पकाते रहेंगे तो फिर ये ऐसा गाढ़ा सा हो जाएगा इसका मिक्सचर, और फिर इसे हम ठंडा कर लेंगे। फिर इसमें क्रीम में शामिल करेंगे, क्रीम को व्हिप कर लेंगे अच्छी तरह, विस्क की मदद से हम फेंट फेंट के तकरीबन 5 मिनट क्रीम को फेंटेंगे। और यहाँ जब तक ठंडा नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पर नहीं आएगी क्रीम, ये कंडेंस मिल्क, हम जब तक इसको करते रहेंगे ठंडा करेंगे निकाल के। ये तकरीबन 1 प्याले तैयार हो जाएगी बन के। काफ़ी गाढ़ा सा हो गया मिक्सचर इसका, तैयार है यानी। ये देखें, हम क्रीम के 2 पैकेट जो हैं वो इसकी मदद से हम इसे फेंट लेंगे, यानी डिप कर लेंगे इसे अच्छी तरह। 5 मिनट तकरीबन करेंगे। इसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे जो ठंडा हो गया है, हमने रूम टेम्परेचर पे कर लिया है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अब इसे हम निकाल लेंगे इसी तरह से। देखें कितना अच्छा और गाढ़ा कंडेंस मिल्क तैयार है हमारा, मज़ेदार से खुशबू आ रही है इसकी। इसको क्रीम में शामिल करके इसे भी फेंट लेंगे, और स्ट्रॉबेरीज को भी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसके मिक्सचर को, तीनों को। और हम एयर टाइट बॉक्स में बंद करके रात में रख देंगे। तकरीबन पूरी रात में हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी से जम जाएगी, और सुबह हम निकालेंगे उसे।